नमस्कार, मैं हूँ साक्षी बमगई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 52 लोगों की मौत, हार्ट अटैक से केदारनाथ में गई सबसे ज्यादा जान। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट की सूझबूझ से बाल बाल बचे तीर्थयात्री। नैनीताल में 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी कार, 5 बच्चे समेत 12 लोग घायल। मंदाकिनी नदी में समाया ट्रक, 1 शख्स की मौत, 2 लोग घायल। किच्चा रेलवे स्टेशन पर हाई टेंशन तार की चपेट में आया नेपाली मूल का युवक, 90% झुलसा। अब खबर विस्तार से। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें बद्रीनाथ में 14, केदारनाथ में 23, गंगोत्री में 3 और यमुनोत्री में 12 श्रद्धालुओं की जान गई है। केदारनाथ में बीते 10 वर्ष से 350 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जिसका प्रमुख कारण सीने में दर्द, बेचैनी और दिल का दौरा पड़ना रहा है। केदारनाथ धाम में पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि हेलीपैड से 100 मीटर आगे पर इमरजेंसी लैंडिंग की हुई है। आपात लैंडिंग की डीजीसीए जांच करेगा। नैनीताल से हल्द्वानी की ओर जा रही पर्यटकों से भरी कार 2 गांवों से पहले अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को खाई से निकालकर हल्द्वानी भेजा गया है। केदारनाथ हाईवे पर तिलवाड़ा में लाटा बाबा गेस्ट हाउस के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर सीधे नदी में जा गिरा। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही जान चली गई, जबकि ट्रक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर हादसे की सूचना के बाद एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया। किच्चा रेलवे स्टेशन पर नेपाली मूल का युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया है, जिससे वो पूरी तरह से झुलस गया। घटना के बाद घायल को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। केदारनाथ धाम में श्रद्धा व भक्ति का उल्लास अपने चरम पर है। प्रतिदिन बढ़ रही भक्तों की भीड़ के चलते इन दिनों में मंदिरों में 23 घंटे तक धार्मिक गतिविधियां हो रही है, जिसमें 15 घंटे धन दर्शन, 4 घंटे श्रृंगार दर्शन और देर रात्रि से तड़के तक 4 घंटे भक्तों द्वारा ऑनलाइन व ऑफलाइन बुक की गई पूजाएं संपादित की जा रही है। राजधानी देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में बिल्डर ने आत्महत्या कर ली है। बिल्डर का शव निर्माणाधीन बिल्डिंग के नीचे मिला है। बिल्डर का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपनी आत्महत्या के लिए बड़े बिजनेसमैन को जिम्मेदार ठहराया है। जानकारी के मुताबिक बिल्डर सत्येंद्र सिंह सहानी देहरादून में ही पैसिफिक गोल्फ सोसाइटी में रहते थे। लक्सर के करणपुर गांव में आम के पेड़ की रखवाली कर रहे युवक को पिलर से बांधकर पीटे जाने का मामला सामने आया है। युवक की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। श्रीनगर फायरिंग रेंज में इन दिनों उत्तराखंड पुलिस की शूटिंग प्रतियोगिता चल रही है। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में अब तक आईआरबी का दबदबा रहा है। आईआरबी ने 100 और 200 गज में पदक जीते हैं। पीएसी के शूटर दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। आज पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता का आखिरी दिन था। मसूरी पुलिस ने पर्यटन सीजन में लगने वाले जाम के बचने के लिए नया यातायात प्लान तैयार किया है। इसके तहत सड़कों पर 1 वे ट्रैफिक लागू किया जाएगा, जबकि मुख्य चौकों की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।